होती है वो हम सीखेंगे आगे जाके। हाँ उसको कह सकते हैं कब आप। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई जनाब? अगर हमें रोटेशन करनी हो एट एनी अदर एंगल, रोटेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसमें आप एक्स की वैल्यू याद रखें, एक्स की वैल्यू होती है जनाब एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और y की इक्वेशन होती है y cos थीटा माइनस x sin थीटा। लेट से आपसे मैं कहा वही 30 डिग्री को आपने रोटेट करना है, तो फर्स्ट केस से रोटेट करना है तो फर्स्ट केस की इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड केस से रोटेट करना है तो सेकंड केस की इक्वेशन से करेंगे। x और y के लिए ये रोटेटेड इक्वेशन है। इसकी रोटेशन के लिए ग्रुप पे पिक्चर भेज रहा हूं मैं आपको, ये रोटेशन की इक्वेशन भी लिखी हुई है इसमें और रोटेशन की डायग्राम भी बनी हुई है इसमें। देखो बेटा मैंने ये बताया कि हमारे पास जो केस वन है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अगर मैं कहूँ कि भाई इसको 30 डिग्री रोटेट कर दो तो आप यहां पर थीटा की जगह पर डालें 30, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप थीटा की जगह डालें 30 तो आपके पास कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो भी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दें तो आपके पास नई इक्वेशन आ जाएगी। लेट से मैंने आपसे कहा भाई 30 थीटा जो है वो 30 डिग्री है, तो कैपिटल एक्स बराबर हो जाएगा रूट 3/2 कॉस थीटा, सॉरी रूट 3/2 एक्स प्लस 1/2 वाई, और वाई बराबर आ जाएगा रूट अपॉन रूट 3/2 वाई माइनस 1/2 एक्स। ये आपने इक्वेशन में पुट कर दें तो ये हो जाएगा रूट 3/2 वाई माइनस 1/2 एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और x की जगह डालते हैं रूट 3/2 एक्स प्लस 1/2 वाई। ये आपकी रोटेटेड पैराबोला की इक्वेशन है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया बेटा? समझ आ गई बात? आगे बढ़ जाए। अच्छा जी, अब लेट से हमारा जो पैराबोला है वो मौजूद था 0,0 पर, और हम इसको सैर कराने ले गए। कहाँ पे ले गए सैर कराने? हमने कहा भाई चलो सैर करा के लाते हैं, और हम इसको ट्रांसलेट करा देते हैं। तो
तो हमने जब ट्रांसलेशन की तो कहां पे की, एच और के यूनिट्स पे ले गए। इसका मतलब